हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मेजरमेंट। क्लास थर्ड, चैप्टर 9, मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स नापना। हम कोई भी चीज होगी उसको, हम जिस लेंथ को होगा हम उसको नापते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब हम किसी भी चीज को नापना, यानी हम उसकी लेंथ को पता करना। अब देखो हमारा फर्स्ट है, इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट सच एज क्लोथ, रिबन, इलेक्ट्रिक एंड वायर। वेन टू पीपल मेजर द सेम लेंथ यूजिंग देयर हैंड स्पैन और कबर्ड्स, दे डू नॉट गेट द सेम लेंथ। देखो टू लोग पीपल है हमारे, हम देखो बच्चे हैं, कोई किसी का हाइट किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो किसी का ये जो फुट होगा वो भी देखो किसी की अलग अलग होगा, तो हमारे दो जनों के एक सेम नहीं होते, तो हमें अपनी अपनी लेंथ के हिसाब से ही इसको करना होता है। जैसे दे डू नॉट गेट द सेम लेंथ, एक से लेंथ नहीं होते, तो हमारे दो पर्सनों के हमारी कभी भी एक लेंथ नहीं होगी, आपकी जो आपका ये हैंड स्पैन होगा उसकी भी नहीं होगी, एक छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, सबकी अलग अलग लेंथ होगी। तो ये क्या है, फुट, हमने इसे फुट से किया है। ये क्या है, इसका स्पेस, स्पेस जो है हम दोनों का उससे करना है। ये क्या होता है, हैंड स्पैन। और कबर्ड जो होता है, कबर्ड जो होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ होती है। तो अगर हमारा ये हमें बोला गया कि कबर्ड से करो, हैंड स्पैन से करो, क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ योर मैथ बुक इज हैंड स्पैन, इट मीन आपको ये मैथ बुक को जो आपको करना है वो हैंड स्पैन से उसकी मेजर करनी है। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारा फुट से भी पूछ सकते हैं, पेज से भी, हैंड स्पैन से भी और कबर्ड से भी। लेकिन इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ दीज यूनिट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, सो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये जो हमारा इन सब से आता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग होता है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में आता है ये मेजरमेंट आपका। देखो आपका एक रूलर है, ये हम स्केल होती है, इसको हम बोलते हैं रूलर भी। अब हमें इसको बोला है, ये देखो 15 सेंटीमीटर की भी होती है और एक 13 सेंटीमीटर की भी होती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो जितने भी होंगे हमारे ये सेंटीमीटर में होगी। जैसे हमने एक स्केल को किया है, हमें जब भी इसकी मेजरमेंट करनी होती है हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। और जब हमने यहाँ पर ये रखा, देखो ये इन्होंने इरेजर रखी है, ये कितनी आई हमारी, 2। तो हमारा ये क्या है, 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। देखो ये सब ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, की, स्टेपलर, कॉम। की हमारी क्या है, 3 है। जीरो से हम स्टार्ट करते हैं हर एक को, जिसको भी हमें मेजरमेंट करना है हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 से 3। स्टेपलर की हमारी 0 से 6 और कॉम की हमारी 0 से 7 आई है। ऐसे हमें इनमें ये हमें फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, राइट वेदर द लेंथ और हाइट ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब देखो द लेंथ ऑफ अ बुक, द बुक की लेंथ है, उसे हम अगर मेजरमेंट करेंगे तो वो सेंटीमीटर में ही आएगी, क्योंकि वो 1 मीटर से कम है। द लेंथ ऑफ अ बस, और बस हमारी 1 मीटर से ज्यादा है, 1 मीटर से ज्यादा होगी तो ये हमारी इसकी लेंथ क्या आएगी, मीटर में। द हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, देखो 1 इलेक्ट्रिक पोल हमारा 1 मीटर से ज्यादा होगा तो हमारा इसमें मीटर आएगी। द हाइट ऑफ ए डोर, जो हमारा डोर होता है, दरवाजा घर पे भी जो होते हैं, उसमें हमें मीटर में आएगा। द लेंथ ऑफ अ बैट, ये जो बैट है वो 1 मीटर से कम होता है, हमारा ये सेंटीमीटर में आएगा। द हाइट ऑफ अ जग, जग की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में होगी। 1 मीटर से तक जो कम आएंगे वो सेंटीमीटर में होंगे, और 1 मीटर से ज्यादा जो होते हैं वो हमारे मीटर में होंगे। द हाइट ऑफ अ टीवी, टीवी की जो हाइट है वो सेंटीमीटर में होगी। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन, देखो ट्रेन 1 मीटर से भी ज्यादा होती है तो हमारी वो मीटर में है। द हाइट ऑफ एन अलमीरा, अलमीरा की हाइट भी 1 मीटर से ज्यादा होती है तो हमारी ये मीटर में आई। नेक्स्ट टॉपिक,
ऐड द फॉलोइंग। देखो अब हमें इनको ऐड करना है, हमने ये इन्होंने ये मीटर दिया है 14 मीटर और 75 मीटर, तो 4 और 5 कितने होते हैं 9, 7 और 1 8, ये क्या दिया हुआ है मीटर, तो हमें भी यहाँ पर राइट करना है मीटर। वन क्वेश्चन बी देखेंगे अब, 7 को हमें 4 में ऐड करना है, 7 4 11, 1 1 हमने ऊपर क्या किया 5 1 6 और 9 15, 151 मीटर। ये सी और डी आपको करना है। सबट्रैक्ट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सबट्रैक्ट का, 9 और 6 में से हमें 9 में से 6 को हमें सबट्रैक्ट करना है, 9 में से 6 है 3, 6 में से 3 3, ये मीटर है, हमें यहाँ मीटर राइट किया। बी क्वेश्चन देखेंगे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए 5 मीटर। ये सी और डी आपको करना है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 5 5 इसको हमें ऐड करना है। देखो इसमें मीटर भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर भी, हमें मीटर के नीचे मीटर की ही डिजिट राइट करनी होती है और सेंटीमीटर के नीचे ही सेंटीमीटर की राइट करनी है। तो 5 5 10 0 1 3 1 4 और 6 10 0 1 4 1 5 और 7 12 2 1 क्या है 2 1 3 1 4, तो क्या आया हमारा आंसर 42 मीटर। आंसर है 42 मीटर। ये आपके इसमें देखो, ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, ये प्लस का, ये सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये आपको घर से करनी है आपके होम। मेजरमेंट ऑफ वेट, वी वेट ऑब्जेक्ट और थिंग्स टू फाइंड आउट हाउ हैवी दे आर, ऑफर वी कैन टेल द लाइटर और हैवियर थिंग्स जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दैम। देखो हैवी और लाइट वेट के बताने हैं हमें, हमारा ये टीवी हायर है और ये लाइटर है, तो हमने ऑब्जर्व किया इन दोनों में कौन सा हमारा हैवी है और कौन सा हमारा लाइट है, तो देन अ बुक, ये बुक है और ये हमारा टीवी है, तो बुक जो है हमारी लाइटर वेट की है और ये टीवी हमारा हैवी वेट का है। अब ऐसे हमने ये अब बैग और ये पेंसिल, बैग हमारा हैवी है और ये हमारी पेंसिल लाइट है, तो जो हमें इससे पता चल जाता है क्या हैवी है और क्या लाइट है, ये हमें पता है, ए बैग इज हैवियर देन अ पेंसिल, पेंसिल से ज्यादा क्या बड़ा है बैग। देखो वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट सच एज ग्राम्स एंड किलोग्राम्स टू वेट ऑब्जेक्ट्स, वी मेजर द वेट ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट इन ग्राम। देखो किलोग्राम तो मतलब 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स। इरेजर है, इरेजर हमारी ग्राम में आएगी और जो हमारा वेट है बुक का वो हमारा 400 ग्राम है, ये हमारा इरेजर 50 ग्राम है, और हमारा जो जैसे बैग ऑफ राइस हो गया या शुगर होगी तो वो हमारा केजी में आएंगे। अब देखो अ डक वेट इज अबाउट, डक हमारी केजी में शो हो रही है, अ न्यूबॉर्न बेबी वेट अबाउट 3 kg, देखो ये भी केजी में शो हो रहा है, अ वाटरमेलन यूजली वेट्स मोर देन 1 kg, वाटरमेलन भी हमारा केजी में शो, लेकिन हमारी इरेजर और हमारी बुक कहाँ पर किस में शो है ग्राम में, तो ये हमारी जो हमारी 1000 ग्राम से कम होता है, सॉरी 1 kg से कम होता है वो तो हमारी होती है ग्राम में, और जो हमारा 1 kg से ऊपर या 1 kg होती है वो हमारी होती है किलोग्राम में। गेस द वेट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, टिक द आइटम्स द वेट मोर देन 1 kg एंड क्रॉस द आइटम्स द वेट लेस देन 1 kg। देखो हमें गैस करना है कि जो टिक करना है हमें कौन सा, जो हमारा मोर देन 1 kg से ज़्यादा है, और क्रॉस करना है जो हमारा 1 kg से कम है। तो ये डॉल है, ये हमारी 1 kg से होगा, तो ये क्या है हमारा, वेट करेंगे हम इसको
तो ये हमें वेट करके लिखना है। ये दो बकेट्स हैं, इन्हें हमें वेट करना है कि भाई कितने हैं इसमें, हमारी कितना के वेट होगा, इसमें बैग का वेट कितना हो सकता है, तो हमें वेट करके करना है। तो हमें ये टिक करना है। तो ये क्या है हमारा डॉल, केजी है। तो हमें यहाँ पर टिक करना है, ये भी हमारा केजी उसमें होगा, ये भी बैग केजी में होगा, ये हमारा ग्राम में होगा। तो ये हमें क्रॉस करना है। राइट द मोर अप्रोप्रिएट यूनिट्स ग्राम और केजी फॉर मेजरिंग द वेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इन्हें हमें देखना है कि कौन सा हमारा ग्राम में और कौन केजी में है। अब पेंसिल, पेंसिल का वेट हमारा ग्राम में होगा, केजी में ग्राम। अब बाइसिकल केजी किलोग्राम में होगा। अ डस्टर, डस्टर ग्राम में। अ काउ केजी किलोग्राम में। अ पेंटिंग ब्रश ग्राम में। अ सैक ऑफ शुगर यानी शुगर की बोरी, ये किलोग्राम में। अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, बास्केट भरी हुई है पूरी फुल ऑफ फ्रूट्स से, तो ये किलोग्राम में। एन एलमिरा किलोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है, लुक एट द वेट गिवन बिलो, हाउ वुड यू कंबाइन देन वेट ऑफ द फॉलोइंग वन हैज बीन डन फॉलो। देखो हमारे ये वेट के वो हैं, 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का और 10 kg का। अब जब हम कोई सामान लेते हैं तो हम, हमें अगर हमें 3 kg का सामान लेना है तो हमें 2 और 1 kg का ये वेट रखना पड़ेगा। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है कि हमें इनको ऐड करके बताना है। अब इन्होंने पूछा अ पैकेट ऑफ शुगर वेइंग 3 kg, हमें 3 kg का वेट करना है, तो हम कितने बार वो लेंगे वेट, 1 kg वाला और 2। तो हमने यहाँ पर राइट किया 2 kg एट 1 kg। सेकेंड है बी, अ कर्टन ऑफ टी वेइंग 8 kg, हमें 8 kg का करना है तो हम कितने लेंगे, 5, 6, 7, 8। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5 kg प्लस 2 kg प्लस 1 kg, हो गए 8, 5, 6, 7, 1, 8। अ सैक ऑफ राइस वेइंग 11 kg, अब हमें 11 kg का करना है, तो 11 kg में हम क्या लेंगे, 10 kg प्लस और एक 1 kg, हमारा क्या हो गया ये 11 kg। अ बैग ऑफ फ्लोर वेइंग 7 kg, 7 kg में 5 और 2, 7 का वेट ले लेंगे, 5 kg प्लस 2 kg। अ कार्टन ऑफ बिस्किट्स वे 15 kg, बिस्किट के वेइंग 15 kg है, तो हमें 15 में 10 प्लस 5, 15 हो गया, तो 10 kg प्लस 5 kg। नेक्स्ट, अ बैग ऑफ मूंग दाल वे 16 kg, मूंग दाल कितनी है 16 kg की, तो 10, 5, 15, 1, 16 का वेट लेंगे, 10 kg प्लस 5 kg प्लस 1 kg, ये हो गया हमारा 16, ऐड करना है हमें इसको। नेक्स्ट हमारा जो आता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब हमारा जो एक्यूरेट मेजर होता है, फिक्स मेजर होता है, वो लीटर और मिलीलीटर में होता है। 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर होता है। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज ऑल्सो मेजर्ड मिलीलीटर एंड लीटर, जो हमारा लिक्विड में मेजरमेंट करते हैं हम, तो क्या आता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अ टी स्पून ऑफ मेडिसिन इज अबाउट 5 मिलीलीटर, जो 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा होगा वो 1 लीटर में होगा, लेकिन जो 1000 से कम होगा वो हमारा मिलीलीटर होगा। देखो 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर मीन्स हमारा ये स्पून जो है मेडिसिन 5 मिलीलीटर का है, तो ये क्या है हमारा मिलीलीटर। अ पैकेट ऑफ मिल्क इज 5 मिलीलीटर,
500 मिलीलीटर। तो 1000 से जितने कम होंगे वो तो हमारे मिलीलीटर में होंगे, और जो 1000 से ऊपर होंगे वो हमारे लीटर में होंगे। तो ये मिल्क भी हमारा 500 मिलीलीटर का है, तो ये हमारा मिलीलीटर है। अ जार ऑफ घी इज अबाउट 1000 मिलीलीटर, ये हमारा 1000 मिलीलीटर का है, तो ये हमारा अभी 1 लीटर। अ बकेट ऑफ वाटर इज अबाउट 15 लीटर, तो ये देखो एक बकेट है उसमें 15 लीटर वाटर है, तो ये हमारा लीटर में आ गया। 1 से ऊपर होते ही हमारा लीटर में आ जाएगा। 4 glasses ऑफ वाटर इज अबाउट 1 लीटर, इन 4 glass में 1 लीटर पानी आ रहा है, तो हमने 1 लीटर ऐड किया। अ टैंक ऑफ वाटर इज अबाउट 500 लीटर, इसमें 500 लीटर पानी आ रहा है, तो ये लीटर में। हमारा 1000 से कम अगर है तो वो मिलीलीटर में आएगा, और 1000 से ज्यादा ऊपर आ गया तो हमारा वो लीटर में आ जाएगा। एक्सरसाइज, द कैपेसिटी ऑफ 1 glass इज 50 मिलीलीटर, काउंट द नंबर ऑफ ग्लासेस एंड राइट द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। देखो 2 glasses में वाटर है, तो इसका वाटर क्या आ रहा है हमारा, इसमें अब 2 वाटर का कितना आएगा इसमें पानी, हमने अभी बताया था आपका कि ये 50 मिलीलीटर का, 1 glass में 50 मिलीलीटर है, तो 2 में कितना आया 100 मिलीलीटर, एक में 50 मिलीलीटर और दूसरे का 50 plus 50 100 मिलीलीटर। अब ये 3 glasses हैं, 1 2 3, अब ये 3 big bowl में कितने आएंगे, 50 50 और 50, हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 150 मिलीलीटर। अब ये जग का पानी है हमारे, ये फिर 50 है, 50 50 50 50, ये क्या हो गया हमारा 200 मिलीलीटर। अब ये 5 है, 50 plus 50 plus 50 50 50, तो हमारा ये 5 आ गया, तो 5 से 50 की 250 मिलीलीटर। ये सभी मिलीलीटर है क्योंकि हमारे 1000 नहीं है। राइट वेदर द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इन मिलीलीटर और लीटर, अब हमें इन्हें मेजर करना है कि ये मिलीलीटर में है या लीटर में है। वाटर इन एन ओवरहैंड टैंक, देखो ये इतना बड़ा टैंक है, तो ये हमारा किस में आएगा, 1000 से ज्यादा वाटर होगा तो हमारा ये लीटर में। मिल्क इन अ पैन, पैन में जो मिल्क आएगा वो हमारा ज्यादा ही आएगा 1 लीटर से, तो हमें यहाँ पर लीटर। मेडिसिन इन अ स्मॉल बॉटल, मेडिसिन देखो कम है, स्मॉल वो है बॉटल, और उसमें हमारा कम आएगा, तो ये होगा मिलीलीटर में। मिल्क इन अ फीडिंग बॉटल, जब हम बच्चे को फीड कराते हैं तो हमारी जो बोतल होती है वो ग्राम में ही होती है, तो हम लीटर में होती है, सॉरी मिलीलीटर में, तो हम इसको मिलीलीटर राइट करेंगे। इंक इन अ इंक पॉट, ये हमारी इंक है बोतल, स्मॉल है देखो, तो ये भी हमारा मिलीलीटर में ही होगी। वाटर इन अ बकेट, वाटर जो है बकेट में वो हमारा लीटर में होगा क्योंकि 1000 liters मिलीलीटर से ज्यादा होगा। ऑयल इन अ ड्रम, ड्रम में ऑयल है, बॉटल में नहीं है, किसी नहीं है, ये ड्रम में है, तो ये हमारा लीटर में आएगा। राइट द नेम्स ऑफ 4 things फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट हैव कैपेसिटी ऑफ मोर देन 5 liters, आपके सराउंड आपके आसपास आपके आसपास जो भी है 5 liters से ज्यादा चीजों के आपको 4 names यहाँ पर राइट करने हैं। जैसे ऑयल ड्रम ही लिख दो, आपके आसपास भी हो बकेट लिख दो, टैंक लिख देते हैं, 5 liters से ज्यादा ही आएंगे इसमें सब कुछ। थैंक यू।